गई है नवरात्रि की, रामनवमी की पूजा जिसमें बनाई थी मैंने पूड़ियाँ, 9 नवदेवी के लिए और 2 हमारे भगवानों के लिए बनता है जोड़ा। ये है टमाटर आलू की सब्जी जिसमें कोई प्याज वगैरह नहीं होता है। देन ये है सूजी का हलवा और ये है चने, काले चने बनते हैं, हलवा बनता है, पूड़ी बनती है और सब्जी बनती है। बाकी पूजा हमारी हो गई है। नारियल हम आरती करने के बाद देवी माँ पे चढ़ाते हैं, उनका जो जल नारियल का निकलता है वो देवी माँ पे अर्पित करते हैं और भोग लग चुका है, पूजा हो चुकी है अच्छे से हमारी। यहाँ पर मैंने वीडियो कॉल की थी अपनी दीदी की बेटियों को जिनका नाम है मीठी और पीहू, जिनको मैंने कन्या मानकर भोग लगाया था और उन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन चॉपस्टिक से भोग ग्रहण कर लिया जो भी कन्या भोग बनता है। ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर और भोग में जो मैं बचपन से देखती आई हूँ, मम्मी जो बनाती थी मैंने वही सब कुछ बनाया है। बस मम्मी चना नहीं बनाती थी तो चने मैंने यही अपनी शादी के बाद स्टार्ट किए थे, हलवा चना और पूड़ी बनाना। वैसे मम्मी जो भोग में खिलाती थी कन्याओं को बचपन से, वो खिलाती थी खीर पूड़ी, कभी दही और जलेबी। हैप्पी रामनवमी और नवरात्रि की शुभकामनाएं, सबके घर में अच्छे से सुख समृद्धि आए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।